हेलो सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने अम्मी के लिए वीडियो बनाई थी। आप लोगों से कहा था कि यार दुआ कीजिए, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए मेरी अम्मी के लिए दुआएं की, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसे। तो मैं आप लोगों को बताता चलो, अम्मी की तबीयत ठीक है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोग दुआ कीजिए यार, आप लोगों से दुआ की अपील है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि यार कि हम अगर कोई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों से कांटेक्ट कैसे करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं संडे बाज़ार में आके। अगर आप लोग कोई भी गाड़ी परचेज़ करनी हो, एल्टो, मेरान, GLI, XLI, कोई भी, अगर किसी भी गाड़ी के बारे में मालूम करनी हो, क्या प्राइस चल रही है, अगर हम लोग ख़रीदें तो कितने की बेच सकते हैं, अगर कितना नुकसान हो सकता है अगर हम दोबारा बेचें, तो मैं आपको पूरी तरह इंशाल्लाह गाइड करूंगा। अगर आप लोग कोई भी गाड़ी परचेज करनी है संडे बाजार से तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए संडे के दिन। अगर आप लोग आना है तो संडे के दिन मुझे कॉल कीजिए संडे बाज़ार में आके, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिल लूँगा। कोई भी गाड़ी आपको चाहिए तो मैं नॉलेज के हिसाब से, मतलब कि एक जहन में आप लोगों की बात डालता चलूँ कि यार गाड़ियों की प्राइस क्या चल रही है। तो मैंने पिछली बार में जैसे बताया था कि अल्टो, मेरान, BXR वगैरह इनके बारे में जो प्राइस थी वो भी आप लोगों ने गाइड की थी। GLI, XLI की तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार 12, 13, 14, 15 का मॉडल। भाई ये 12 से 13, 14 के मॉडल जितने भी हैं, ये 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख के आसपास की गाड़ियां हैं ये अभी भी, ठीक है ना। सही कंडीशन में आपको गाड़ी 14 लाख रुपये की मिल जाएगी, 15 लाख की मिल जाएगी, 18 लाख की मिल जाएगी। ये मुख्तलिफ गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और बोलान के ऊपर जो लोग मुझे बोले थे कि यार बोलान 10 का मॉडल कितने का मिलेगा, तो बोलान 10 का मॉडल आपको 4.5 से लेकर 5.5-6 तक मिल जाएगा साफ सुथरी गाड़ी। अगर 18 की तरफ चला जाए बोलान 18 कितने की मिल जाएगी, भी 18.75 से लेकर 8.5-8.75 तक की गाड़ी है। और जिसके कोरे कुछ मुझसे पूछ रहे हैं कोरे कितने का मिल जाएगा गाड़ी का, 8.7-6.8 का मॉडल, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोरे के जो रेट चल रहे हैं अभी 8 से लेकर 10 के जो रेट हैं ना, 10 के अगर 10 आपको कोरे चाहिए तो तकरीबन आपको 6 लाख, 6 लाख 20, 5 लाख 80, 5 लाख 90, मतलब ये प्राइस चल रही है। अगर 8 की बात करें कोरे की तो 8 तकरीबन आपको मिल जाए 4.70, 4.60, 4.90, 4.80 गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को मेहरान में से चाहिए कोई गाड़ी तो मेहरान की मैं बात करता चलूँ, 8, 7, 6 के जो मॉडल हैं तकरीबन 3.20, 3.40, 3.60 गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 की तरफ बने 10, 11, 12 तो तकरीबन आपको मिल जाएगी 4.20, 4.30, 4.40, 4.50 के आसपास की अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं एल्टो की बात करूं तो एल्टो तकरीबन 5 से लेकर 8 तक के मॉडल की मैं बात करूं, 5 तकरीबन आपको मिल जाएगा 4 लाख, 4 लाख से 20-10 हज़ार रुपये कम इतने का। अगर 6, 7, 8 की बात करें तो 4.20, 4.30, 4.40 के तीनों मॉडल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं इंशाल्लाह। तो इसके अलावा लियाना की बात करें तो लियाना तकरीबन 5.5 से लेकर 6.5, 7, 8 तक की गाड़ी अच्छी मिल जाएगी, जिसमें आपको 6 से लेकर 8, 9, 10 का मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्राइस आपको बता रहा हूँ ये उन गाड़ियों की प्राइस है। तो बलेनो की बात करें तो बलेनो तकरीबन आपको गाड़ी मिल जाएगी 5, 4, 3, 2 के मॉडल जो प्राइस है तकरीबन 4.5 से लेकर 5.5-6 तक की अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी बलेनो। तो इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी गाड़ी को ऐड करें जेपनीज वगैरह मीरा, जैसे मीरा 12.5 से लेकर 13.5 तक आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें जो 12, 15, 12, 18, 12, 16 जो भी मॉडल हैं ये इनके, तो आपको अच्छी कीमत में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम लोग वेगनर की बात करें तो आपको तकरीबन 12.5 से लेकर 14.5 तक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी वेगनर की भी। तो डायहाट्सु की बात करें तो तकरीबन 10.5-9.5-8 की अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो इसके अलावा एवरी की बात करें तो वो भी आपको तकरीबन 12.5, 11.5, 10 तक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो इसकी कम कीमत की बात करें FX वगैरह, वो आपको 80,000 से लेकर 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 की अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। जिसमें खैबर की बात करें हम लोग तो खैबर क्या हिसाब चल रही है, तो खैबर की मैं बता रहा हूँ कि आपको 2,60,000 से लेकर आपको 3.20, 3.40 तक बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, जो आपके हिसाब से होगी, दोबारा आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसके अलावा मैं आपका अगर मरगला की बात करूँ, मरगला भी इसी तरह है, तो 1,80,000 से लेकर तकरीबन 2,40,000-2,50,000 की आपको अच्छी सी गाड़ियाँ मिल जाएगी। अगर आप 3 लाख की रेंज में आ जाते हैं तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी मरगला। तो ये गाड़ियाँ थी। अगर इनके अलावा किसी और गाड़ियों के बारे में आप लोगों को प्राइस जाननी है, कुछ भी मालूम लेनी गाड़ी की, तो मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और गाड़ी के बारे में मालूम ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है संडे बाज़ार में, अगर कोई भी गाड़ी परचेस करना चाहता है अपने लिए, तो इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ मिलकर गाड़ी उनको ख़रीद कर दे दूँगा। इंशाल्लाह अच्छी गाड़ी होगी और कोई शिकायत नहीं होगी, जितना ही मुझे नॉलेज है
कि गाड़ियों के बारे में मैं अच्छी गाड़ी चला उनको खरीद के दूँगा। और जो गाड़ी मैं आपको बताता था, जो कौन सी गाड़ी है, इसमें खर्चा कितना है और कितने की लेनी चाहिए। अगर एल्टो गाड़ी आपको तकरीबन 2008 का मॉडल मिल रहा है 3,60, 3,40, 3,50 का, तो आप उठा लीजिए। इसमें 40-50 हज़ार का काम हो तकरीबन 4 लाख के हिसाब से आपको अच्छी गाड़ी पड़ जाएगी। ये मतलब कि वो हैं खर्चे वाली गाड़ियाँ। अगर जी एल एक्स ले आपको 2010, 2008, 2009 का मॉडल मिल रहा है तकरीबन 10 लाख 50 लाख 80 तक, इसमें 1 लाख रुपये खर्चा है, फिर भी आप उस गाड़ी को उठा लो। मेन बात है गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो। एक्सीडेंटल के अलावा गाड़ी में कोई भी मसला हो, हल हो जाता है, इंजन तक की चेंज हो जाती है। एक्सीडेंटल गाड़ी के अलावा मतलब कोई भी मसला हो, दरवाजे मिल जाएंगे आपको, बोनट मिल जाएंगे, खिड़कियाँ मिल जाएंगी, इसमें आपको डिगी मिल जाएगी, शेरशाह में सारा भी सामान अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये शेरशाह वाली वीडियो देखनी है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा शेरशाह में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है गाड़ियों की। तो आप लोग अगर शेरशाह जाना चाहते हैं, शेरशाह में आपको कोई भी गाड़ी परचेस करनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं। आपको सब चीज़ गाड़ी में मिल जाएगी, डैशबोर्ड से लेकर मीटर, इंडिकेटर, लाइट, हेडलाइट, ब्रेक वगैरह, सब ए टू जेड पूरा काम आपको वहाँ गाड़ी में मिल जाएगा। जितने भी गाड़ी कटे हुए आधे आधे पीस तक पड़े हुए हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आधे आधे पीस गाड़ी में कटे हुए वहाँ भी आप लोग मिल सकते हैं। तो जो लोग अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आपकी अम्मी की तबीयत कैसे, तो उन्होंने को बता दूँ कि बेहतर है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए, आप मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए ताकि जल्द वो सियाता हो जाए, क्योंकि अम्मी जब घर में होती है ना तो बहुत रौनक होती है। अगर अम्मी चली गई तो फिर रौनक वगैरह सब खत्म हो जाती है। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये ऐसी हस्तियाँ हैं जिनके होने से घर आबाद होता है। मेरे वालदेन के लिए दुआ कीजिए ताकि मेरी अम्मी जल्द सेहतयाब हो जाए और उनका साया हमेशा मेरे सर पे रहे। तो ये गुजारिश थी आप लोगों से, और आप अपनी अम्मी अबू को ख्याल कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और कोशिश कीजिए, बार बार नहीं मिलता हूँ ज़िंदगी में। तो इतना कुछ था वीडियो में। अगर मेरी कुछ बातों से आप लोगों की दिल आज़ारी होती है, मेरी कोई भी मतलब वीडियो में ऐसी कोई बात हो जाती है जिसमें से आपको कोई गलत फील होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उस बात को दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। और जो भाई मुझसे बाहर मुल्क से रब्ता करते हैं, यार हमें गाड़ी परचेस करनी है, हम किस तरह गाड़ी परचेस करें, तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए या व्हाट्सअप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर कोई आपका बंदा आता है कराची में तो कोई मसला नहीं, मैं उनके साथ मिल के उनको गाड़ी परचेस करवा के दूँगा, अच्छी गाड़ी इंशाल्लाह परचेस करवा के देंगे। और रही बात पेपर चेक करने की, तो इंशाल्लाह मैं सिविक सेंटर आप लोगों के साथ वहीं जाके पेपर वगैरह चेक भी होते हैं, वहीं जगह पे चेक करा दूँगा। एक बात और, अगर आपको गाड़ी के लिए लेना जाना चाहते हैं कि आपको गाड़ी कोई लेनी है, तो अच्छा मैकेनिक टेंडर पेंटर जो हो उसको लेके जाइए, और इसके अलावा जो पेपर चेक करता हो अच्छा मतलब जानने वाला बंदा जिसको पेपर चेक करने होते हैं, नहीं भी आते तो आप पार्टी को ऐसा टाइम दे देंगे आप चलो इस सिविक सेंटर हम लोग चलते हैं, तो वहाँ जाके पूरी पेपर वगैरह चेक करके हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका, राइट तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है पेपर चेक करने का। आप सिविक सेंटर चले जाइए, सब प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। बस एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ यार, आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए और जल्द उसे सेहतयाब हो जाए। आप लोगों के सर पे हमेशा आप लोगों के वालदेन का साया रहे, आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से दुआ में याद रखिएगा।